नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए धन प्राप्ति के यानी धन वर्षा के कुछ महत्वपूर्ण नियम, आइए हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें मित्रों राधे राधे लिखकर जरूर भेजें। महाभारत में बताए गए धन प्राप्ति के एक कुछ निम्न उपाय आप भी एक बार अजमा कर देखिए दोस्तों। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने युद्ध में तो अहम भूमिका निभाई थी और साथ में पांडवों का मार्गदर्शन किया था। इसी सब के श्री कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठर को धन के संबंध में कुछ विशेष बातें बताई थी। उन्होंने युधिष्ठर को उन 5 उपायों के बारे में बताया था जिन्हें अपनाकर व्यक्ति धनवान, सुखी और समृद्ध बन सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि इन 5 कार्यों के साथ हर व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता सरस्वती के ऐसे चित्र की पूजा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठर को बताया कि हमें माता सरस्वती के ऐसे चित्र या फिर ऐसी मूर्ति की पूजा रोजाना करनी चाहिए जिसमें माता सरस्वती कमल के आसन पर विराजमान हो। जिस घर में सरस्वती माता की पूजा रोजाना होती है उस घर में दरिद्रता दूर होती है, उस घर के लोगों को धन संपत्ति और मान सम्मान दोनों प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को रोजाना अर्पित करें ये वस्तु। घर में चंदन को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में अवश्य रखें यह एक वस्तु। वेदों और पुराणों में शहद को अति शुद्ध बताया गया है, घर में सदा शहद रखना चाहिए और घर के हर एक सदस्य को शहद का सेवन करना चाहिए। घर में शहद रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही स्त्री लक्ष्मी बनी रहती है। घर में आए अतिथि का सत्कार करना। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई अतिथि आए तो उसे देखकर मुंह ना बनाना चाहिए बल्कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न बनी रहती हैं। गाय के घी का दीपक। भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस घर में रोजाना गाय के घी का दीपक बनाकर जलाया जाता है, गाय के शुद्ध घी से भोग बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, उस घर में समस्त देवी देवताओं की कृपा वृद्धि हमेशा बनी रहती है। उस घर पर माता लक्ष्मी और धन के स्वामी कुबेर देवता की कृपा सदैव होती रहती है। जय श्री कृष्णा।